ममता जी आकर के समाजवादी पार्टी को यूपी में कितना वोट दिला देंगी, केसीआर आकर के यूपी में कितना वोट दिला देंगी, वो दिला देंगे, लालू जी आके कितना वोट दिला देंगे, या समाजवादी पार्टी के नेता जाके उन स्टेटों में कितना वोट दिला देंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तीसरा मोर्चा चिल्ला रहे हैं। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के सुर आए दिन बदलने लगे हैं। ओबी राजभर बीते लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में बीजेपी भी उनके निशाने पर रही है। अब एक बार फिर सुभाषपा प्रमुख ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा के लोग, खास तौर पर अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर से काफी परेशान हैं। ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे क्यों जा रहे हैं? और वो तीसरा मोर्चा जो बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, वो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ममता, केसीआर और लालू यादव को भी लपेट लिया। ममता बनर्जी, ममता जी आकर के समाजवादी पार्टी को यूपी में कितना वोट दिला देंगी, केसीआर आकर के यूपी में कितना वोट दिला देंगी, वो दिला देंगे, लालू जी आके कितना वोट दिला देंगे, या समाजवादी पार्टी के नेता जाके उन स्टेटों में कितना वोट दिला देंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तीसरा मोर्चा चिल्ला। उन्होंने आगे अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि मोर्चा वो बनाओ जिससे वोट मिले। यहाँ मायावती के पास वोट है और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन आप उनसे गठबंधन नहीं करोगे। मोर्चा चिल्ला रहे हैं, यूपी में आज के तारीख में चुनाव आयोग की जो मुहर है, उस मुहर के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के पास 12% वोट है, कांग्रेस पार्टी के पास वोट है, भारतीय समाज पार्टी के पास वोट है, तो वोट वालों से ये समझौता नहीं कर रहे हैं, बिना वोट वालों से कर रहे हैं, तब बिना वोट वालों के बल पे कैसे जीतेंगे 80 सीट जीतने का सपना। सुभाषपा प्रमुख ने ये भी कहा कि सब मिलकर मायावती के घर जाएं, वहां कहें कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार हैं, अगर मायावती नहीं मानती हैं तो आप उन्हीं को प्रधानमंत्री मान लो। जैसा कि चर्चा करते हैं कि हम तीसरे मोर्चे का हम पीएम बनाएंगे नीतीश जी को, ये सब लोग गुलिया करके वोट वाले के यहाँ क्या नहीं जाते, इनको जाना चाहिए मायावती जी के यहाँ कुर्सी पर बैठते, सोनिया जी के यहाँ कुर्सी पर बैठते, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ कुर्सी पर बैठते, ये बंगाल जा रहे हैं स्टूल पर बेचारे बैठने। आप बताइए, ये अपने पद की गरिमा को भी भूल जा रहे हैं। तो इस बात पे अगर मायावती जी एग्री नहीं है नीतीश जी के सवाल पे, तो सभी लोगों का जब एक लक्ष्य है कि हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, हम ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, तो इन लोगों को मायावती जी को ही मान लेना चाहिए। जब लक्ष्य सबका एक है कि हमको बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, तो फिर उसके पीएम पद के उम्मीदवार में कहाँ चिंता है, किसी को मान लो। तो ये लोग वो काम नहीं कर रहे। इस नाते हमने कहा कि जब नीतीश को एक्सेप्ट मायावती जी न करें तो मायावती जी को ही मना दो, उन्हीं को कहो चलो हम लोग आपके साथ। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने टिप्पणी की। अभी तो अपना घर जला अपने ही चिराग से। अभी 2013 में जो कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार में लाया गया, तो उसका समर्थन सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही किया। सारे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए ताकि लोकतंत्र के लिए दिक्कत न हो, लेकिन उसका समर्थन राहुल जी ने किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने ये साफ ऐलान कर दिया कि निकाय चुनाव में पार्टी अकेले लड़ेगी।